शिव शक्ति मानव समिति अध्यक्ष शंकरलाल रजानी की ओर से नवरात्रि एवं दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिव शक्ति मानव सेवा समिति का अध्यक्ष शंकरलाल रजानी बात कर रहे हो। यहाँ आए आज से नवरात्रि जो पावन पर्व शुरू हुए हैं और आने वाले दशहरे और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के CM साहब हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को और यहाँ के क्षेत्रवासी आम जनता को बहुत बहुत दीपावली की, दशहरे की और नवरात्रि की पावन पर्व की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं KKR न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। माखन नगर बाबाई ब्लॉक में आने वाले ग्राम गुराडिया के मार्ग पर सेमरी हरचंद तरफ से आ रहे दो व्यक्तियों में से एक की सड़क हादसे में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। निवासी ओमकार पिता हरि प्रसाद और यादराम पिता अंगद दोनों सेमरी हरचंद की ओर से बाबाई की तरफ आ रहे थे, तभी दोनों को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे दोनों को बाबाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां से एक युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में परिजनों द्वारा युवक को निजी अस्पताल नर्मदा अपना ले जाया गया। वहां युवक का इलाज जारी था, लेकिन आज दिन गुरुवार को सुबह 9:15 पर युवक की मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजनों में एवं सामाजिक लोगों में आक्रोश का माहौल छा गया। सभी अरिवार समाज के सदस्य बाबई स्थित नगर के थाना प्रभारी को उचित कार्रवाई हेतु आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर जाँच शुरू कर दी है। माखन नगर बाबाई से आशीष आशु दुबे की रिपोर्ट। सर, ये अहिरवार समाज के लोग ये थाने में आए हैं, ये क्या प्रकरण? 5 तारीख को एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के उपरांत ओंकार नाम के व्यक्ति की इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई है। इसमें घायल को सूचना मिलने के उपरांत तत्काल शासकीय चिकित्सालय बाबई एडमिट किया गया, जहाँ केस कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण हायर सेंटर खुशदाबाद के लिए वहाँ रवाना किया गया और तदुपरांत उसे और बेहतर इलाज के लिए नर्मदा चिकित्सालय भर्ती किया गया, जहाँ आज 8 बजे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर 304A भी प्रकरण पंजीकृत किया गया। परिजनों द्वारा इस घटनाक्रम में संदेह भी जाहिर किया गया है। इस संबंध में पृथक से एक आवेदन पत्र दिया जा रहा है। इस आवेदन पत्र में जो भी उनका संदेह है उन मुद्दों पर जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वो उसके आधार पर आगे सर। कितनी संख्या में आए हैं, ये इसका क्या कारण बता रहे हैं? ये तो चूँकि स्थानीय लोग हैं और किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो सभी लोग शोक संतप्त परिवार के लोग हैं, इकट्ठे होकर यहाँ आए फायर कर ली गई है और प्रकट। परिजनों का ऐसा कहना है कल वो इसमें कुछ संदेही को लेकर एक आवेदन पत्र देने आए इस संबंध में थाने में। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आज मेरे प्रकाश में यह प्रकट आया है मेरे द्वारा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।